गाइस गुड मॉर्निंग, आप सबों को सुप्रभात। प्रभात आज मैं जल्दी उठ गई हूँ, अभी बज रहे हैं सुबह के 7। बहुत लोगों के लिए बहुत लेट है लेकिन मेरे लिए बहुत जल्दी है, मैं जल्दी नहीं उठती हूँ। आज मेरा क्लास था, क्लास है और कल भी क्लास था लेकिन मैं कल क्लास नहीं गई थी। सो मैं जल्दी जल्दी फटाफट उठती हूँ, बच्चों का खाना बनाना है, लंच ब्रेकफास्ट सब तैयार करना है मुझे, क्योंकि 10 बजे मुझे निकल जाना, 10:30 बजे तक मुझे निकल जाना है। और टुक टुक में मेरा मतलब कि जहाँ क्लास है ना वहाँ जाने का कोई रूट ही नहीं है, मतलब कि ऑटो रूट नहीं है, तो मुझे पैदल ही जाना पड़ता है। कुछ दूर मैं ऑटो में जाती हूँ और उसके बाद मुझे सिर्फ पैदल ही चलना पड़ता है। आते समय तो बिल्कुल ही नहीं है, जाते समय तो थोड़ा थोड़ा ब्रेक कर करके मैं जाती हूँ, 2 बार टोटो चेंज करती हूँ, लेकिन आते समय कुछ भी ऐसा ऑप्शन नहीं है, तो आते समय कभी कभी पैदल आना पड़ता है, कभी कभी कोई दिक्कत नहीं हो जाता है हमको। और नहा धोवा लेती हूँ, उसके बाद मैं जल्दी जल्दी अपना रेडी होती हूँ, फिर उसके बाद मिलती हूँ आपसे। क्लास से निकल चुकी हूँ मैं और मुझे लेने जाना है एडमिट कार्ड, मेरे फोन में ओपन नहीं हो रहा है, तो अभी मैं कैसे जा रही हूँ। और 21 को मेरा एग्जाम है, एडमिट कार्ड निकालना है, तो इसलिए मैं अभी कैसे मैं मिलती हूँ। थैंक यू अंकल। वो गया है मेरे साथ गुगली, मुझे सेंटर बेड़ो मिला है जो मैं कभी भी नहीं गई हूँ। सुबह 7 बजे का रिपोर्टिंग टाइम है और वो मेरी जो अभी दीदी आई गांव से, उसको तो अलोविस दिया हुआ है, और मेरी जो फ्रेंड है उसका पता नहीं, उसे पूछने वाली थी कहाँ दिया है। बहुत दिक्कत होने वाला है, सुबह 7 बजे रिपोर्टिंग टाइम, और कुछ कुछ काम है वो सब काम करते हैं, क्या हो रहा है यहाँ पर? भैया क्या हो रहा है किधर से घुमाना, उसको फिर क्या होगा, फिर आओगे जाने नहीं देते। तो वहाँ पे थोड़ा सा कुआ में कोई बच्चा डूब गया था, तो सभी बहुत गुस्सा जाहिर कर रहे हैं, इसलिए वहाँ पर गाड़ी आगे जाने नहीं दे रही। अब हम लोग यहीं से वापस लौटते हैं। हम लोग अशोक नगर आए हुए हैं और यहाँ पर हम लोग जूस पी रहे हैं, उसके बाद हम लोग निकलेंगे सीधे बेड़ो के लिए। जूस पीने के बाद हम लोग सीधे बेड़ो निकलेंगे, क्योंकि सेंटर देखना बहुत ज़रूरी है और मैं तो पहले कभी गई भी नहीं हूँ बेड़ो। तो 1 घंटा का रास्ता है, अभी टाइम हो रहा है 4 बज रहा है, तो सोच रही हूँ कि मैं चेक कर लेती हूँ, जाके देख लेती हूँ सेंटर, ताकि सुबह 7 बजे रिपोर्टिंग टाइम है ना, तो ज़्यादा दिक्कत ना हो, आराम से जो देखा हुआ रहता है तो वहाँ आराम से पहुँच जाते हैं। और कल तो फिर धूप धूप में निकलना पड़ेगा, अभी तो धूप है लेकिन अब तो शाम हो रही है, इसलिए हमने सोचा कि अभी जाके आ जाते हैं आराम से, 6-7 बजे तक रांची इन कर जाएंगे और जूस पी के सीधे निकलते हैं। ये है मेरा जूस और इस बार मैंने लाल लिया है, पता नहीं पी भी पाऊंगी कि नहीं, लेकिन ले लिया है। Maybe someday you'll have it your way.
then nope, a nope, a nope, a nope, definitely nope, a nope, nope, a nope, probably never, ever, 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 ever gonna happen. Oh no. पूछते पूछते हम लोग पहुंच गए SS+2 उच्च विद्यालय बेड़ो, जस्ट मेरे ये पीछे है। और मैं बैक कैमरा से दिखाती हूँ, मेरा बहुत बुरा हाल है, रास्ता इतना खराब कि क्या ही बोले, पूरा धूल धूल। जिस दिन आएंगे ना, जिस दिन एग्जाम उस दिन तो पूरा फेस पैक करके आना पड़ेगा, नहीं तो कुछ नहीं हो सकता है, इतना धूल धूल है। यहाँ के लोकल से हमने पूछा, पूरा मार्केट है, बहुत अच्छा मार्केट है, पूछा तो बोल रहे बस रह जाके जाना, बस इस तरह से बता रहे, जिससे हम हमेशा यहाँ आना जाना करते हैं। हम लोग खोज खोज के, जो लोग नया जगह है, वो लोग में तो थोड़ा सा दिक्कत होता ही है, लेकिन हमने फाइनली पा लिया आपका स्कूल। तो ये है मेरा सेंटर, थोड़ा सा अंदर ही साइड में है, एरिया पूरा खाली ही लग रहा है, शायद अभी बाजार का टाइम नहीं है, इसके जस्ट बगल में SS+2 उच्च विद्यालय बेड़ो, हाँ वो भी है और ये भी है, तो कुछ ऐसा सेंटर है मेरा। हमने सेंटर देख लिया है, तब हम लोग यहाँ से निकलते हैं क्योंकि अभी 6 बज रहे हैं, सीधे हम लोग रांची निकलते हैं। तो यहीं पर मैं अपने वीडियो को एंड करती हूँ, मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।